महाशिवरात्रि पर्व को लेकर शिव शक्ति सर्व औषधि महायज्ञ और सिद्ध रुद्राक्ष का निःशुल्क वितरण हुआ। रुद्राक्ष जन सेवा संस्था परिवार द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी महाशिवरात्रि महोत्सव के उपलक्ष्य में शहर के जवाहर नगर स्थित वीनु वाटिका में शिव शक्ति सर्वस्थी दो दिवसीय महायज्ञ और सिद्ध रुद्राक्ष निःशुल्क धारण कराने हेतु कार्यक्रम आयोजित किया गया। रुद्राक्ष जन सेवा संस्थान के संस्थापक पंडित प्रशांत व्यास ने बताया कि 17 फरवरी शुक्रवार को वीनु वाटिका में सर्व औषधि महायज्ञ प्रारंभ किया गया था, जो 18 फरवरी शनिवार तक चला। प्रातः 9 बजे से 11:30 बजे तक हवन की पूर्णाहुति की गई। तत्पश्चात प्रसाद वितरण कर दोपहर 12:30 पर आगंतुक श्रद्धालुओं को सिद्ध रुद्राक्ष का निःशुल्क धारण कराया गया। वीनु वाटिका में पंडित धीरेन्द्र व्यास जी के द्वारा ये आयोजन 2 वर्ष से किया जा रहा है। शिवरात्रि के अवसर पर 2 दिवसीय आयोजन रहता है और उसमें रुद्राक्ष भी वो वितरित करते हैं। पूरे देश में उन्होंने करीब 125,000 रुद्राक्ष वितरित कर दिए हैं और आज भी उनका 31,000 रुद्राक्ष वितरित करने का संकल्प है। और ये बहुत ही अच्छा आयोजन है और सनातन धर्म को आगे ले जाने के लिए आज शिव पार्वती जी के विवाह पर ये आयोजन सभी को सुख शांति और सुख संपत्ति देने वाला है। और मैं इनकी धीरेन्द्र व्यास जी की बहुत बहुत आभारी हूँ, जो उन्होंने हमारे इस जवाहर नगर में इतना अच्छा आयोजन करके हमें कृतार्थ किया है। और हवन के द्वारा जो रश्मियाँ निकलती हैं उन्हें पूरे वातावरण में प्रवाहित किया है, जिससे कि सभी बीमारियां लोगों की दूर हो जाए और वातावरण स्वच्छ हो जाए। आज बहुत ही पुण्य और पवित्र दिन है, महाशिवरात्रि का दिन है और महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को, जो शिव की विशेष कृपा रहती है और शिव के वरदान के रूप में रुद्राक्ष को माना गया है, और निश्चित रूप से शिवरात्रि के विधि विधान से मंत्रोच्चार के साथ अगर रुद्राक्ष धारण करते हैं तो सभी का नैतिक कल्याण होता है। नीमच आराधना और आस्था का शहर है और निश्चित रूप में नीमच में जब भी कोई धार्मिक आयोजन होता है सभी धर्मप्रेमी जनता बढ़ चढ़ के भाग लेती है। और निश्चित रूप से हम सौभाग्यशाली है कि पंडित जी प्रशांत जी व्यास प्रतिवर्ष नीमच की जनता के लिए इस आयोजन को करते हैं और मैं नीमच की जनता की ओर से आपको साधुवाद करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ कि आप भोले बाबा की आराधना से हम सब भक्तों को जोड़ते हैं। नीमच से पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।